हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ एलईडी लाइट रिले फ्लैशर सर्किट एट होम फ्रेंड्स इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे एक 180 ओम्स क्वार्टर वाट की रजिस्टर एक वन थाउजेंड कैपेसिटर और एक ट्वेल्व वोल्ट की रिले फ्रेंड्स में भी आप जानते होंगे कि ये रिले 12 वोल्ट की सिंगल पोल डबल थ्रो रिले है ये मिडल पिन इसकी कॉमन पिन है इट मीन इसका पोल है और ये दोनों साथ वाली इसकी इंडक्शन कोयल वाली पिनें हैं ये पिन इसकी कॉमन पिन के साथ नॉर्मल क्लोज पिन है और ये लास्ट वाले पिन कॉमन पिन के साथ नॉर्मली ओपन पिन है तो फ्रेंड्स 180 हंड्रेड एटी ओम्स क्वार्टर वाट की रजिस्टर लें और उसको आप इंडक्शन कोयल पिन और नॉर्मल क्लोज पिन के साथ सोल्डर कर दें प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स इसके बाद 1000 थाउजेंड का कैपेसिटर लें और उसको कुछ इस तरह से इंडक्शन कोयल पिनों के साथ सोल्डर कर दें इस प्रोजेक्ट के मुतलिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए फ्रेंड्स इसके बाद 12 वोल्ट की एलईडी लाइट लें और एलईडी लाइट की नेगेटिव साइड को आप कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर सोल्डर कर दें और पॉजिटिव साइड को आप रिले की नॉर्मल ओपन पिन पर सोल्डर कर दें तो लीजिए फ्रेंड हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया अब हम इसको सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी लें और बैटरी की पॉजिटिव वायर को आप रिले की कॉमन पिन पर सोल्डर कर दें और नेगेटिव वायर को आप कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पर सोल्डर कर दें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एल लाइट रिले फ्लैशर सर्किट परफेक्टली वर्क कर रहा है आप इसको अच्छे तरीके से पी के अंदर बनाकर इस्तेमाल कीजिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक सिंपल एल लाइट रिले फ्लैशर सर्किट यूजिंग रिले उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस ट्यूटोरियल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़